आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माई गार्डन में। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर देने वाला प्लांट यानी कि डायनथस प्लांट के बारे में है। गाइज, आज हम सीखेंगे कि डायनथस प्लांट को किस प्रकार से हम केयर करें तो अच्छे से अच्छे फ्लावर है वो हम ले सकते हैं, और इस प्लांट में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा ताकि प्लांट है वो हेल्थी बना रहे। सबसे पहले गाइस, इसके गमले की बात करूँ तो इसमें मैंने एक कंटेनर लिया है, तो आप इसमें छोटे बड़े कोई भी गमले का प्रयोग कर सकते हो। यदि गमला छोटा हो गाइस तो उसमें गमले के हिसाब से आप प्लांट है वो शिफ्ट कीजिए या तो सीड है वो ग्रो कीजिए। यदि छोटा गमला है तो दो या तीन ही प्लांट इसमें ग्रो कीजिए। बड़ा गमला हो तो आप अपने गमले के साइज के हिसाब से प्लांट है वो ज़्यादा कम ग्रो कर सकते हो। और वैसे ये प्लांट है वो गाइस मैंने सीडलिंग के थ्रू ही ग्रो किया है। वैसे इसका सीडलिंग का समय है वो विंटर का समय बेस्ट है, आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक इसके सीड है वो ग्रो कर सकते हो। उसके बाद गाइस, इसमें मिट्टी की बात की जाए तो इस प्लांट के लिए गाइस वेल्डन मिट्टी का ही प्रयोग कीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ अवेलेबल जो मिट्टी रहती है उसकी बात करूँ तो एक हिस्सा है वो जो खेत वाली या गार्डन वाली जो काली मिट्टी आती है उसका प्रयोग करता हूँ। एक पार्ट है वो जो बालू मिट्टी या सेंट वाली जो कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं उसका भी आप मिश्रण है वो तैयार कर सकते हो। उसके साथ गाइस, इसमें खाद का थोड़ा प्रयोग अच्छी मात्रा में कीजिए। काव डंक है, वर्मी कंपोस्ट है, इस प्रकार का जब भी आप मिट्टी तैयार करें तो उसके साथ मिश्रण आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसे थोड़ी खाद की ज़रूरत रहती है। वैसे उसके साथ गाइस आप चूने का जो पाउडर आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हो इस प्लांट के लिए। उसके बाद गाइस, इस प्लांट में पानी की बात करूँ तो इस प्लांट के लिए आप पौधे की ज़रूरियात के मुताबिक ही पानी का प्रयोग कीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है इस प्लांट के लिए। वैसे मिट्टी है वो हल्की मॉइस्ट रहे उस प्रकार का आप पानी दोगे गाइस तो इसकी लाइफ साइकिल है वो लंबे समय तक चलती रहेगी। वैसे इस प्लांट में धूप छाव की बात की जाए तो इस प्लांट को वैसे तो धूप पसंद है गाइस, फिर भी आप जहाँ 3 से 5 घंटे की धूप आती हो उस जगह पर रखें तो ये प्लांट है वो अच्छी तरह से सर्वाइव होगा। और यदि समर का सीज़न चल रहा हो गाइस तो उस टाइम क्या है कि कभी कभी कुछ प्रदेशों में टेम्परेचर है वो बहुत ही गर्म हो जाता है, तकरीबन 40 डिग्री या उससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम आप कोई भी सेमी शेड एरिया में इस प्लांट को शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत डायरेक्ट जहाँ धूप आती हो उस जगह पर इस प्लांट को बिल्कुल ही ना रखें। वैसे इस प्लांट में फल फूल की बात की जाए गाइस तो आप देख सकते हो गाइस कि इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर है वो बने ही रहते हैं। और वैसे तो ये कई कलर में और शेड में आपको फ्लावर मिल जाएंगे, लेकिन जो फूल इसके खिल जाए गाइस उसके बाद सूखने लगे तो आप इस प्रकार के जो फूल होते हैं और ये कुछ ब्रांचेस होती है तो उसको आप निकाल सकते हो। उसके साथ ही गाइस, इस फ्लावर सूख जाए और इसमें से ही सीड आप कलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये पूरा सूख जाए उसके बाद ही आपको करना है। तो इसमें क्या है कि अच्छी मात्रा में जो मैच्योर सीड है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। यदि उस टाइम आपने कच्चे सीड कलेक्ट कर लिए गाइस तो ग्रो में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए पूरा मैच्योर हो जाए उसके बाद ही इसमें से यदि आप सीड कलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे मौसम की बात की जाए गाइस तो ये प्लांट है वो सर्दी का मौसम है इसके लिए बेस्ट है ग्रो करने के लिए। वैसे आप बारिश के मौसम में भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे ये एक प्रकार का एनुअल कहूँ तो एनुअल भी प्लांट है, लेकिन आपको गर्मियों के मौसम में इसे ग्रो नहीं करना है, क्योंकि गर्मियों में हर एक प्रदेश में अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो कुछ प्रदेश में एनुअल भी चल सकता है, कुछ प्रदेश में ये प्लांट है वो एनुअल नहीं चल सकता है गाइस। तो यदि बहुत गर्म वाला इलाका हो तो वहाँ ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे इसकी लाइफ साइकिल है वो तकरीबन 7-8 मंथ तो है, एक प्रकार का आप समझे कि ये सीजनेबल भी प्लांट है और एनुअल भी प्लांट है, दोनों का एक ही प्लांट में मिश्रण है, तो प्रदेश के हिसाब से आपको चलना है। उसके बाद गाइस, इसमें फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो इसे अच्छी वाली मिट्टी पसंद है, तो आपको यदि मिट्टी कुछ प्रदेशों में इस प्रकार की हो तो आप इसे खाद का प्रयोग है वो 1-2 मंथ में घरेलू जो हमारी काउडंग आती है, वर्मी कंपोस्ट आती है, या यदि आप देना चाहो कोई केमिकल फर्टिलाइज़र तो NPK है या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र है। वैसे गाइस, मैंने चूने का प्रयोग कई प्लांट में करता हूँ तो ये प्लांट भी उस कैटेगरी में आता है। इस प्लांट को कैल्शियम कार्बोनेट वैसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप मिट्टी का मिश्रण जब भी तैयार करें इसको सीडलिंग करने के लिए या प्लांट रिपोर्टिंग करना हो तो चूने का मिश्रण है वो इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसे कैल्शियम कार्बोनेट है वो पसंद है। और कभी कभी प्लांट अच्छी तरह से चल रहा हो
तो उस दौरान 2-3 मंथ में भी आप चाहो तो इसे हल्का सा चूने का छिड़काव कर सकते हो इसके मिट्टी के ऊपर। उसके बाद गाइस इसमें कोई जंतुनाशक की या पेस्ट अटैक की बात करूँ तो ज़्यादातर मौसम में तो ऐसी कुछ कठिनाइयों का सामना हमें नहीं करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी कुछ हमारी भी गलतियाँ हो जाती है। जैसे कि यदि इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग या पानी हमने डाल दिया हो गाइस, तो उस दौरान कभी कभी क्या है कि कुछ पेस्ट अटैक कर देते हैं, तो उस गलती का हमें एक ही इलाज है गाइस कि हमें नीम ऑयल का स्प्रे है वो टाइम टू टाइम इसे कर देना चाहिए, यदि आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ पेस्ट या फंगस का अटैक बना है। बाकी तो आप थोड़ी हल्की सी केयर करोगे तो ज़्यादातर मौसम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इस प्लांट में। और इसमें ग्रोथ की बात की जाए गाइस, तो वैसे तो ये मीडियम गति से चलने वाला प्लांट है। आप यदि इसमें अक्टूबर या दिसंबर तक सीडलिंग कर दोगे गाइस, तो वहाँ से लेकर 60 या 70 दिनों के करीब आपको इसमें फ्लावरिंग है वो बनने लगेंगे और प्लांट भी अच्छी तरह से 60 या 70 दिनों में ग्रो हो जाएगा। बाद गाइस इसमें प्रूनिंग की बात करूँ तो कभी कभी इसको आप हल्की सी पिंचिंग है वो करते रहिए, कुछ फ्लावर या ब्रांच जो खराब हो चुकी हो तो उसे आप प्लांट के हेल्थ के लिए कभी कभी पिंचिंग है वो करते रहे इसमें। और गुड़ाई की बात करूँ गाइस, तो यदि ज़्यादा स्पेस वाला गमला हो या यदि आपने ग्राउंड में सर्वाइव किया हो तो भी आप हल्की सी इसमें गुड़ाई कर सकते हो। उसके बाद गाइस इसमें मेंटेनेंस की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा तो मेंटेनेंस वाला प्लांट नहीं है। इस प्लांट को आप धूप पानी और टाइम टू टाइम डेड हेडिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि पिंचिंग आपको कर देना है, कुछ खराब फ्लावर हो चुके हो या कुछ पत्तियाँ या ब्रांचेस खराब हो चुकी हो तो उसको पिंचिंग कर देना है, तुरंत ही निकाल देना है, तो इसकी हेल्थ है वो अच्छी तरह से बनी रहेगी। और कुछ प्रदेशों में गाइस मौसम ये प्लांट के लिहाज से बनेगा तो ये पूरा साल भी चलने वाला प्लांट है और फ्लावरिंग भी गाइस ये लगातार देता ही रहेगा। जैसे कि कुछ प्रदेशों में गर्मियां है वो कम होती है तो उस जगह पर ये प्लांट है वो लगातार चलता रहेगा। और कई बार प्लांट की हेल्थ अच्छी नहीं हो गाइस तो ये फ्लावर कम प्रोड्यूस करेगा और आप इसके फ्लावर में से सीड भी कलेक्ट नहीं कर सकोगे, क्योंकि इसमें सीड अच्छी मात्रा में बनेगी ही नहीं, तो प्लांट की हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना होगा। पर ये थोड़ी बहुत टिप्स आप फॉलो करोगे गाइस तो ये प्लांट भी हेल्थी रहेगा और फ्लावर ही लगातार बनते रहेंगे। और यदि आपको सीड नहीं चाहिए गाइस तो भी इसके फ्लावर है वो थोड़े मुरझा जाए तो उसके बाद आपको निकाल देना है, लंबे समय तक इसके फ्लावर है तो आप मत रखिए इसमें। और वैसे गाइस ये कटिंग से भी ग्रो होने वाला प्लांट है, सही मौसम में यदि कटिंग लगा दोगे गाइस तो ये कटिंग भी ग्रो हो जाएगा। से इस प्लांट की लाइफ साइकिल है वो थोड़ी लंबी है यदि केयर की जाए गाइस। तो आशा रखता हूँ गाइस कि आज की ये डायंथस प्लांट की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो गाइस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ऐसी कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।